काफी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि रमजान सुल्तान की इस पर्टिकुलर वीडियो पे मिक्स रिएक्शन अपलोड किया जाए। वाई मुस्लिम वेयर्स हिजाब और बुरका, क्यों मुसलमान लोगों में हिजाब बुरका पहनना चाहता है, क्या उसके रीजंस है? तो ये रमजान सुल्तान जी अपनी वीडियो में बता रही है, उसी पे आज हम मिक्स रिएक्शन देखने वाले कि यूट्यूब कम्युनिटी के क्या क्या रिएक्शन है। तो देखते हैं फिर सीधा मिक्स मैच रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम गर्ल्स या लेडीज हिजाब या बुरखा क्यों पहनती हैं। ये वीडियो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज और क्वेश्चंस उन्हीं को होते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम विमेन इस तरीके से अपने आप को ढकती हैं। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि ये हिजाब होता क्या है। तो हिजाब का मतलब है टू कवर। ये जो स्कार्फ हम अपने सर पर ढकते हैं इसको हिजाब कहते हैं, और ये इसलिए ढका जाता है ताकि हमारे बाल ढक सकें, बिकॉज वी बिलीव के एक औरत की खूबसूरती उसके बालों में भी होती है, तो हम अपने बाल भी ढकते हैं। एंड ऑल्सो विद दिस क्लॉथ हमारी चेस्ट भी कवर हो जाती है, विच यू ऑल नो इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ वेमेन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुस्लिम वेमेन लूज कपड़े पहनती हैं ताकि उनका बॉडी शेप रिवील ना हो। अब जरूरी नहीं कि वो बुरखा ही पहने, वो और भी तरह की कोई भी मॉडर्न ड्रेसिंग पहन सकती हैं जिससे बॉडी शेप रिवील ना हो, वो टाइट कपड़े ना हो। सिर्फ इतने हाथ, इतना फेस और टखनों तक पैर जो होते हैं वो विजिबल हो सकते हैं, बाकी बॉडी कवर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वजह है जो मुस्लिम वुमेन इस तरीके से ड्रेसअप होती हैं। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने कुरान में दिए हैं। कुरान में सिर्फ औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अपनी नजरें नीची रखें, मॉडेस्टली ड्रेसअप हों और औरतों को इज्जत से ट्रीट करें। मुस्लिम्स का अल्टीमेट लाइफ गोल यही होता है कि जो कुरान में अल्लाह ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या हमारे प्रॉफिट ने जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है हम उसे फॉलो करें। तो ये कुरान की आयत पर मुस्लिम लेडीज कोशिश करती हैं कि वो अमल कर सकें। ऐसे ड्रेसअप होने की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि ये एक मुस्लिम लेडी है। तो हिजाब एक आइडेंटिफिकेशन है एक मुस्लिम की। अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन इज कि क्या हम ये हिजाब हर वक्त पहनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम घर पर हिजाब नहीं पहनते। बेसिकली अपने हस्बैंड के सामने, अपने फादर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने फादर इन लॉ के सामने, बच्चों के सामने, मामुओं के सामने, मतलब या लेडीज के सामने, कोई भी तरह की फीमेल के सामने हमें कोई जरूरत नहीं है पर्दा करने की। वी कैन बी वेरी नॉर्मल। इट्स जस्ट दैट पर्दा उनसे किया जा सकता है जिनसे आपका निकाह हो सकता है। सो व्हेनेवर वी गो आउट इन पब्लिक गैदरिंग या इन मार्केट्स और इन पब्लिक प्लेसेस, तभी हम ऐसे अपने आप को कवर करते हैं, अदरवाइज वी चिल आउट एट होम। अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है वो ये है कि क्या आपको फोर्स किया गया है हिजाब पहनने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजॉरिटी मुस्लिम वुमेन अपनी मर्जी से पर्दा करना शुरू करती है। कोई कंपल्सरी नहीं। बेसिकली व्हेन अ गर्ल रीचेस हर प्यूबर्टी, जब एक लड़की बालिग हो जाती है, तब से इट इज एडवाइज दैट वो अपने आप को मॉडेस्टली ड्रेसअप करना शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया हिजाब पहनने के लिए। उन्होंने मुझे अच्छी और सही तालीम दी, दीन की भी और दुनिया की भी, एंड देन इट वॉज अप टू मी वेदर आई वॉन्ट टू ऑप्ट इट और नॉट, एंड आई डिड। और ये चीजें ऐसी हैं, आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। जब इंसान खुद सोच कर, समझ कर इसको एक्सेप्ट करता है, तभी वो लाइफ लॉन्ग चल सकती है। जबरदस्ती वाली चीजें ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाती।
अनदर कॉमन मिसकंसेप्शन इज कि ब्लैक कलर का बुर्का पहनना जरूरी है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपकी ड्रेसिंग जो है वो मॉडर्न होनी चाहिए, कपड़े लूज होने चाहिए, बॉडी शेप नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तक आपके हाथ कवर होने चाहिए, टखनों तक पैर कवर होने चाहिए और इतना फेस विजिबल होना चाहिए. अब आप ये किसी और ड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं तो आप वो ड्रेस पहनिए, जरूरी नहीं कि आप बुर्का ही पहने. ऑल्सो जरूरी नहीं कि इफ यू आर वेयरिंग अ बुर्का वो ब्लैक कलर का ही हो, इट कैन बी ऑफ एनी कलर. तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है क्योंकि मेजॉरिटी वेमेन एक ब्लैक बुर्का पहनती हैं, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है. बस जो मेन चीजें हैं लाइक द बेसिक कवरिंग ऑफ द बॉडी, वो चीजें फुलफिल अगर होती हैं तो आप कुछ भी पहन सकते हैं अंडर दोज रिस्ट्रिक्शंस. हिजाब सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं है, ये काफी डीप चीजें सिग्निफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ बैरियर बिटवीन अ मैन एंड अ मुस्लिम वुमेन. ये सिग्निफाई करता है कि एक जो मुस्लिम लेडी है उसे कोई भी आदमी या लड़का ऐसी कैजुअली बिहेव नहीं कर सकता, कैजुअली उसको टच नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बिहेवियर नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बातें नहीं कर सकता. ये एक सिग्निफिकेंस है कि जो मुस्लिम विमेन है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल विमेन है, उनके सामने तमीज से पेश आना है, उनसे बहुत अदब से बात करनी है और अपनी हद में रहना है. So a hijab tells a man to treat a Muslim woman with utmost dignity and respect. जो लड़कियां हिजाब नहीं भी पहनती, जब उन्हें नमाज पढ़नी होती है तब उन्हें दुपट्टा बांधना पड़ता है, अपने हाथ पैर कवर करने होते हैं तब ही वो नमाज पढ़ सकती हैं. तो इंसान को इस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए कि जिस तरीके से वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, जिस तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो अपनी जिंदगी के बाकी टाइम में भी ड्रेसअप हो और बाकी लोगों के सामने भी वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करे. एंड लास्टली, अगर किसी को भी ये लगता हो कि मुस्लिम विमेन ऑप्रेस्ड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप इस्लाम को डीपली स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कि इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जिसमें विमेन को इतनी जबरदस्त राइट्स दी गई हैं. विमेन आर ट्रीटेड विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट इन इस्लाम, दे हैव बीन गिवन द हाईएस्ट स्टेटस इन इस्लाम. आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम विमेन बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रही हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, वो हर प्रोफेशन में बेहतरीन काम कर रही हैं और वो किसी से दबती नहीं है. दे आर जनरली वेरी कॉन्फिडेंट वुमेन एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल. हिजाब पहनने से किसी की पर्सनालिटी कम नहीं हो जाती, इनफैक्ट इट इज एन एडिशन टू द पर्सनालिटी. जो लेडीज हिजाब पहनती हैं उनके भी पैशन होते हैं, उनके पास भी एजुकेशन होती है, उनका भी इंटेलेक्ट होता है, उनकी भी डिजायर्स होते हैं. दे आर वेरी नॉर्मल एंड कंप्लीट ह्यूमन बींग्स. इट डज नॉट मेक देम डिफरेंट और एनी लेस देन एनीवन एल्स. मीडिया में ज्यादातर ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि मुस्लिम वुमेन पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनकी राइट्स को छीना जा रहा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मीडिया में शो किया जाता है. जरूरी नहीं कि वो सही हो. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से जाकर पूछिए या आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आप प्लीज जो मीडिया की ब्लाइंड ब्रेन वॉशिंग चल रही है उस पर बिलीव ना ही करें तो बेहतर होगा. जब मैंने हिजाब पहनना शुरू किया था तकरीबन 5 साल पहले, तब इंडिया में हिजाब की या इस टोपी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम थी. स्लिपरी दुपट्टे, ट्रांसपेरेंट दुपट्टे ज्यादातर होते थे हर इंडियन ड्रेस के. तो मैंने ये महसूस किया कि इस चीज की कमी है हमारी कंट्री. सुल्तान जी ने काफी अपने तरीके से डिटेल्स में बताया गया, कुछ इंटरनेट से लिए गए चीजें थी, वो काफी जो भी उनका एक तरीका था, बहुत सॉफ्ट था तरीका बताने का, समझाने का तरीका एक अच्छा था. जिसको नहीं भी पता था उसको भी समझ आ जाएगा. बाकी आप अग्री करते हो डिसएग्री करते हो वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि समझाना, वो था बढ़िया इसमें. इसलिए शायद ये वीडियो इतनी अच्छी इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी. आपको मिक्स एक्शन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.